उन्हें सरवन कन्न पड़वा के ते मुंदरे पवा के ते जोगियां दा मत चला लिया। इन्हां तो गांह किन्नियां मतां वध गईयां। बाणी च फैसला है पंक्तियां हन बारह मह जोगी परमाए सन्यासी छे चार छे ते चार दस ये मतां सन्यासियां दियां ते बारह जोगियां दियां गाहां तो गाहां ये वधी जांदियां। उन हारे रामानंद को करा भेख बैरागी को जिन धारा कंठी काठ की दारी डारी प्रभु की रीति न विचारी। रामानंद नू भेजिया ते बहुते भगतां दे गुरु बने ते परमानंद दे चेले बने जिन्हां दा एक एक शब्द साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज है। उन्हें बैरागियां वाली मत धारण कर दित्ती जो प्रभु परम पुरख बजाए तिन भी अपने राह चलाए। सो इस प्रकार अरब देश को किन्नो राजा तिन भी एक पंथ उप राजा लिख बिना किन्ने सब राजा सब ते अपना नाम जपायो। सत नाम काहू ना दृढ़ायो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी दस रहे ने दास इशारा कर रहे हैं तुहानू थोड़ा थोड़ा। इस प्रकार गुरमुखो परमेश्वर ने 84 लख जून तो नाल नाल सरेम श्रोमणी मनुख जाति बना ली है ते वंडा पाउणियां वाण वालियां पंथ चलाउण वालियां ने किन्ने चला दित्ते। जेड़े सुनता करदे ने कि इच्छा पूरी हो गई रब ने मन लिया उन्हां दे घरी बच्चे साबर सूरत नहीं पैदा हुंदे। इस प्रकार उन्हां बच्चा तां साबर सूरत ही पैदा हुंदा है। सो जरा कि सियाणा हुंदा फिर बरादरी कतर करदे ने ते फिर सुनत बिठाउंदे ने। इसे प्रकार बच्चा साबर सूरत पैदा हुंदा है। ये जोगी लोग कतर हुंदे ने फिर उहदा करण भावेद करदे ने। इस प्रकार साबर सूरत ही रब ने सब नूं बणाया सृष्टि नूं बणाया ते दुनिया दे लोकां दी हार होणी है पे मनदे अजे भी नहीं। इस प्रकार गल विच टाई बनाउंदे ने इक फांसी दी निशानी जसू मसीह दी ते भाव उस ते यकीन करवाउंदे ने। गुरमुखो जे सारे ख्याल छड्ड दिए परमेशर ने बणाया बणे रहण दी ते झगड़े मुक जाण। भजहो पार ब्रह्म तजहो सब भरम कहो नानक अटल एहो धर्म। कोई वंड नहीं कोई धर्म नहीं कोई विखरेवा नहीं पाउण वालियां ने पालियां ते होर पई जांदी है। फिर मुसलमानी मत विच सिया सुन्नी राफसी इमाम साफी इन्हां दे मजहब ने। हिंदू मत वालियां ने ब्राह्मण खत्री वैश्य ते शूद्र आदिक मतां चला लईयां 8 हो गईयां ते खालसा इन्हां 8 विचों ही नहीं। इस प्रकार खालसा कालपुर की फौज प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज उहदे भाणे विच रहना है साबर सूरत रहना है जिवें रब ने बनाया बने रहना है। उस काल निरंकार दे पुजारी बनना है। उहदी बनाई हुई सृष्टि दे जितने भी जीव ने सारे नाल मिल के प्यार सहर चलना यह बन आउंदा है। सिक्खी दी रंभता धन गुरु नानक पातशाह आप काल पुरख तो होई है। इस प्रकार दसों पातशाह महाराज साहब जी ने खंडे की पौल छका के ते सिंह सजा के ते भाव ये बख्शा कर दित्तियां ने। सो इस प्रकार शस्त्र धार के खाइए शत्र की रीत बिपर संतोखी दान पल खावे भजे समीत। पेख प्यारा नाहे मम वर्ण प्यारा नाहे रहत प्यारी मोहे कहो सिख प्यारा आहे। इस प्रकार ही है महाराज साहब सच्चे पातशाह दी साखियां ते लंबेरियां है। छेवें सरूप महाराज साहब हरगोबिंद साहब जी जदों जहांगीर दे नाल शिकार खेडण गए सन साखी लंबेरी है। मुकसर बेनती करा बड़े भयानक दंदा वाला शेर निकलिया किस पास्यों जिस पासे घोड़ा जहांगीर दा सी ते घोड़े भी सब डर गए ते हाथी भी डर गए ते जहांगीर भी डर गया। कहण लगा महाराज साहब मैनू बचाई। हरगोबिंद साहब छोटी आजू अजे शरीर करके बल काल निरंकार दा घोरा छड के ते ढाल तलवार लैके शेर जहांगीर दे विचाले खड़ गए। शेर ने वार किया ढाल ते झल के चीर के दो थाई करके सुट दिता। इतनी दलेरी इतनी बहादुरी इतनी ताकत ते जे चाहुंदे ते जहांगीर नूं मरवा सकदे सी। प्रभावित होए ने पुछिया सी सुनो पीर जी जग मत दोए हिंदू तुरक में नर सब कोई कौन दोन में आछो है जगबंधन ते को छुट रह।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੰਤ ਬਖਾਨਾ ਸਭ ਏਕ ਸਮਝਾਨਾ ਸਭ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੇ ਬਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇਹ ਏਕ ਸਮ ਸਨੇ ਕਰਨ ਹਾਰ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਜੋਏ ਸਭ ਤੇ ਦੀਰਘ ਜਾਨੋ ਜੋਏ ਇਹ ਪੰਗਤੀਆਂ ਮਦੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੂਕ ਮਾਤਰ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੱਖ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਉ ਵੰਡਾ ਨਾ ਪਾਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੈਤਰੀ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਉਂ ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਬੜਸੂਰ ਗਹੇਲਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਵਨ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਸੋ ਨੀਲੇ ਬਸਤਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਸਨ ਸੋ ਕਾਸ਼ਾ ਆ ਹੱਥ ਆਸਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੁੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਸੱਲਾ ਆਦਿਕ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ ਉਸ ਮੌਕਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਮੱਕਾ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਸ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਸਵਾਂ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਚਦੇ ਪੀਰ ਬਣੇ ਸਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਸਰੂਪ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੂਲ ਚੰਦ ਖੱਤਰੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਖੀ ਲੰਬੇਰੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਦਸਵਾਂ ਜਾਮਾਂ ਧਾਰੇ ਜਬ ਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੈ ਗਤ ਦੇ ਤਬ ਹੀ ਤਬ ਇਹ ਜਨਮ ਧਾਰੇਗੇ ਇਹੀ ਸੱਸਾ ਸੂਰ ਮਿਰਗ ਕੀ ਦੇਹੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਦਸਵੇਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸੱਸਾ ਸੂਰ ਸਹਿਆ ਅਤੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਮਿਰਗ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰੂ ਸਹਿ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਫਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦਾਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਜਾਏ ਉਸ ਅਕਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਵਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਿਉਂ ਯੁੱਧ ਕਰੂੰ ਬਹੁ ਵਾਰ ਤੁਕ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀ ਭਵਿੱਖਤ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਾਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਲਚੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸਭ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਬ ਬਾਬਾ ਚਲਣੇ ਕੋ ਲਾਗਾ ਤਬ ਕਾਰੂ ਬੋਲਿਓ ਵੱਡ ਭਾਗਾ ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਵੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਹਵੇ ਸੋ ਜਥੋਂ ਦਸਵਾਂ ਜਾਮਾ ਧਾਰੇ ਜਵੇ ਗੋ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਾਵੇਂ ਤਵੇ ਸਿੰਘ ਕਰੂੰ ਸਭ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਪਾਉਲ ਛਕਾਉਂ ਖੰਡੇ ਧਾਰੀ ਭਵਿੱਖਤ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਬਣਾਇਆ ਅਕਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਏ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਤਾਂ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੋ ਤਿਹਾਏ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਏ ਨੇ ਸੋ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਚੋਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਗਈਏ ਜੋਗਨ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਗ੍ਰਸਤਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਬੜੋ ਗ੍ਰਸਤੀ ਭੋਗਨ ਮੈਂ ਭੋਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰੜਕਦਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਭਾਵ ਕੌਮ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੀਦਾ ਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਿਹਾਏ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ 12 ਕੁ ਬੰਦ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਥਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ
दास ने उन्होंने आधार से तुहाडे समक्ष रखियां है। अगे जो महाराज साहब कृपा कर दे उहदी विचार मिल के करनी है। ये लिखित है कवि संतोख सिंह जी दी ते कलगीधर पिता दीआं चलाईआं टकसालां बाबे दीप सिंह तो पंजवें थां ते उह भाव टकसाल दा मुखी सी जिस दा विस्था भाव विद्यार्थी महाकवि संतोख सिंह सी। बड़ी मेहनत की है, कोई अनजाण नहीं सी, कोई ममोली नहीं सी, गुरु दर्शन होए तो गुरु आग्ञा पा के इतिहास लिखे है। तो इतिहास बंदियां ते विद्वानां दा लिखिया भावें किन्ने भी जीवन वाले क्यों ना होण, भागां तो हीणे ते गुरु ग्रंथ साहिब दीआं बाणी दीआं पंक्तियां ते कितों कर लग जांदे है। इतिहास विच्चों भी कोई ना एक अद्धी लै के पासे नूं भाव खुख्याल पैदा करनी भंडी करनी ये योग नहीं, सियाणप नहीं। जिहड़ी पंक्ति पसंद ना आवे उहनूं छड्ड देवो, नहीं तो जिन्नी मेहनत है कवि संतोख सिंह दी उहदा धन्नवाद करो। आओ मिल के विचार सांझी करिए कि कहिंदे हन। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, रह मगन परवाह न काहू। इस प्रकार सुभा गुरु के प्यारियां दा बेपरवाह सदा रंग हर के जांको पाग स्वामी मगन रहिंदे ने, मस्त रहिंदे ने ते बेपरवाह रहिंदे ने। वैर किसे नाल करदे नहीं, डर किसे दा मनदे नहीं, अकाल निरंकार दे पुजारी हन गुरु के सिंह। भूम बिना भूपत मद माहू, भूम धरती दे मालक ना हुंदिया भी सगली धरती साध की तस्कर वैसे गाहे। इन्हां पंगतियां आधार ते छत्रपति राज दे तरह बेपरवाह इहदे मद माहू विच रहिंदे हन। दोनों समय सुचेता करबो, ते दोनों समय शाम सवेरे सुचेत रहिंदे ने, गुलीज नहीं रहिंदे, पतत नहीं रहिंदे, नहीं रहना चाहिए, सावधान होना चाहिए। क्यों? परम पवित्र अकाल निरंकार का नाम जो जपना है तो उसकी बाणी जो पढ़नी है। सो जैनियां बोधियों की तरह अप्रीत नहीं रेंदे, सावधान रेंदे हन। भांत भांत तन शस्त्र न तरबो, भांत भांत दे अनेक प्रकार के शस्त्र जेड़े ने तन शरीर ते धारण करके रखते ने, बड़े भारी जरूरी है। ये तो काल निरंकार की अपनी देन है। जिनी सृष्टि साजी है महाराज साहब ने सारिया वल ध्यान मार के वेख लो, पशु नू शस्त्र दो सिंग दे दिते ने दुश्मन नाल लड़न वास्ते, किसे नू डंग मारन वास्ते दे दिता ते किसे नू दंदां दा ते किसे नू खुरां दी लत मारन दा शस्त्र दे दिता है। फुल्लां नू नाल कंडा दे दिता है, फलां नू नाल दे दिता है। इस प्रकार आपो अपने बचाव वास्ते कुछ ना कुछ जरूर दिता है। ब्रह्मा जी की बरशी बड़ी मशहूर है, शिवा का त्रसूल शस्त्र बड़ा मशहूर है, तो भगवान रामचंद्र के अणियाले तीर बड़े मशहूर ने। शस्त्रधारी होना बड़ा जरूरी अपने बचाव वास्ते, जुल्म के नाश वास्ते, धर्म की रक्षा वास्ते। इस प्रकार शस्त्रहीन कभु न होई, रहतवान सो सिंह बसोई, केस तार मोपे पर सिख आवे, इत आदिक पंक्तियां ने। रहत बिना ने सिंह कहावे, रहत बिना दर चोटा खावे, रहत बिना सो कभी ना लहे, तां ते रहत दृढ़ कर रहे। इस प्रकार आप जी कहते शस्त्र शरीर ते सजाउंदे ने, बेपरवाह ते मगन मस्त रहिंदे ने। बहुती धरती ना भी होवे ते बहुती दे मालक आजाद फिरदे हन जिहड़े गुरु के प्यारे गुरु के सिख हन। शमस केस ते शुभत बिसाले, शमस केस दाड़े ते केस महाराज साहब ने दिते ने शुभत बिसाले। तो जे यतन करके तुसी केसा नूं मुन्नी भी जाओ, दाड़ियां नूं मुन्नी भी जाओ, तो आउणो हट जाणगियां नहीं। मर्द बिना समझस दा सार, इन विद औरत परे निहार, दाड़ी बंदगी ऐन खदाए, बिना दाड़ी शैतान ना विसाहस। ਉਹਦਾ ਵਿਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾੜੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਮੰਨੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਜਾਊ। ਖਿਆਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, 8-10 ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੇਸ ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਾੜੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਮਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਹੀ ਆ ਨਿਹਾਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਸ ਕੇਸ ਤੈ ਸੋ ਸੋਭਤ ਵਿਸਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਵਿਸਾਲ ਸੋਭਨੀਕ, ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਦਾੜਾ ਸੋਭਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਸਤਾਰ ਸੋਭਦੀ ਹੈ,
दस्तार दा संबंधी केसां दे नाल है। इस प्रकार आप जी कृपा करते हैं। बांके वीर हठी मुशियाले ते बंके जवान वीर बहादुर हठ वाले सुंदर मुशायरे ते दाड़ा भाव। इस प्रकार आप जी कहते हैं। सजै तुरंग अरूढ़ ऐसे ते तरंग घोड़िया के अरूढ़ सवार होंगे ने पारशा दे पारशा वाला रोब गुरु के सिंघा दा। इस प्रकार आप जी दसते हैं। हिंदू तुरक नकब होए कैसे हिंदू होन तुरक होन सिंह वाली शोभा ते जिहड़ी छब है वह कैसे पाउणगे। कदे प्राप्त प्राप्ति हो ही नहीं सकती। परमेश्वर का बख्शिया रोह दाब ते दमक भाव गुरु के लाला दी सिंघा दी गुरु का स्वरूप जो होए। खालसा मेरो रूप है खास खालसे मैं हूँ करो निवास खालसा मेरो मुख है अंगा खालसे के हों सर संगा। इत आदिक आप जी कृपा करते हैं। शास्त्रन सजाए गुरु को दरसै ते गुरु का हुक्म भी सी यही मोर आग्या सुनो ले प्यारे बिना शास्त्र के संग दिवो ना दीदारे। शास्त्र सजा के शरीर ते सावधान हो के इस प्रकार भाव गुरु दर्शन आना करो दर्शन देंदे ते आउंदे हन। हेर पंथ को अद्भुत हर्षै हेर वेख करके गुरु साहब जी काल निरंकार दा चलाया पंथ जो रंभ च बेनती कीती है काल दा पंथ है किसे बंदे दा बंदा नहीं किसे शरीर दा नहीं। इस प्रकार जदों नावें पातशाह महाराज साहब जी नूं दिल्ली सद्या सी सो पकार करन तों हिंदुआं दे सारी जिम्मेवारी गुरु तेग बहादुर पातशाह सिर ते लै ली सी अहदनामा लिखा लो जाके औरंगजेब नूं कह दो कि साडे गुरु तेग बहादुर पातशाह गुरु नानक दी गद्दी दे वारस हन तुसीं उहनां नूं कलमा पढ़ा लो ते असीं आपे ही पढ़ लवांगे मुसलमान बन जावांगे। बड़े खुश होए कहिंदे इक बंदे नूं मनाउण दी कहिड़ी गल है जो मंगू दे देंगे ते लालच भी बड़े दित्ते यतन भी बड़े दित्ते। की कहा सी औरंगजेब ने मैं चाहना ये दोवां तो एक हो जाए साखी लंबेरी ना बहुती वधावां। महाराज साहब गुरु तेग बहादुर पातशाह कहन लगे तू पंज मण मिर्चां मंगवा कालियां मंगवा लईयां अग विच साड़ सुड़वा लईयां हुण छान छान लईयां ते विचों तीन निकलियां इहदा की भाव है तू चाहना दोवां तो एक ते खुदा नूं भौंदा दोवां चों तीन ओ तीजे तुसी हो। याद रखो इन्हां सारियां वल कौन जम्मिया मेट देवेगा खराब कर देवेगा अज नहीं ते कल चढ़ी कला होनी है जिवें करनी नामे च लिखिया है उहदे अस्तक राज होए होर ना रही सी कोई रजत होवे सब ही धरती उपर जोए। 1400 ਸਹੰਸ ਵਰਸ ਰਾਜ ਐਸੋ ਲੈ ਹੋਏ ਪਰ ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਹੈ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਤੇ ਅੰਧਲਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਲਾਗੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚੁਤਾਰੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣੇ ਅਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਢ ਵੱਢ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੋਗ ਬੱਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਹੋਵੇਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ। ਹੇਰ ਪੰਥ ਕੋ ਅਦਭੁਤ ਹਰਸ਼ੈ ਤੋ ਹੇਰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਦਭੁਤ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਰਟੈ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੋ ਭਾਵ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬੀਸ਼ਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਧੁਰਗੀ ਬਾਣੀ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੜੀ ਮੁਰੀ ਇੱਕੋ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਸਗੀਰ ਪੀਰ ਦੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ
पाताला पाताल लख आगासा आगास। सुन वाला बड़ा हैरान होया पीर दा चेला, साडी मत वाला पीर कहिंदा 14 ने, इह कहिंदे लख। लख ते 14 च फर्क किन्ना? इह महाराज साहब अख फुरक विच विखा भी दित्ता सी जिहनूं लखी जंगल कहिंदे हो। कलगीधर पिता महाराज साहब उत्थे गए सी, लख खालसा मिलिया सी? नहीं, उत्थे लिखिया होया होर भी की लिखिया, इह लिखिया है गुरु नानक पातशाह उस थां ते बह के ते लख पाठ जपजी साहब दा गुरु नानक पातशाह ने आप कीता। इन्हां बाणी दे नाल प्यार गुरु साहिबां सारे सरूपां दा रिहा है। इवें आप सच्चे पातशाह महाराज साहब जणाउंदे ते गुरु साहिब खुद बाणी उचारन वाले पढ़दे रहे ने, ते चौथे पातशाह महाराज साहब ही हुक्म ला गए ने, गुर सतगुर का जो सिख खाई सो भलके उठ हर नाम ध्यावै, उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सरनावै, उपदेश गुरु हर हर जप जापै सब किल बिख पाप दुख लह जावै, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै बहदे उठदियाँ हर नाम ध्यावै, जो सास ग्रास ध्याए मेरा हर हर सोगर से गुरु भावै गुरु भावै, जिसन दयाल हुए मेरा स्वामी तिस गुर से गुर उपदेश सुनावै, जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की, जो आप जपे अवरा नाम जपावै, अजपा जाप मुख पैंडा गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, भावें बैखरी उची उची ते मधमा कंठ विच ते बसंती हिरदे विच ते परा, रोम रोम ते सारी सृष्टि चों आवाज़ आउण लग जांदी परमेश्वर दे प्यारियां नूं। एवें रटन करदे ने गुरबाणी दा, गुरबाणी हर का रूप है, गुरबाणी बणीए उह बाणी रूप ही बण जांदे ने दिन रात। इस प्रकार आप जी कहते हैं, सबते अत श्रेष्ठ सुख खानी, सबते अति श्रेष्ठ सुखा दी खान, सुखा नू देन वाली शांति देन वाली गुरु की बाणी है, इहदे बराबर को दुनिया की होर बाणी नहीं। तो जे पिछे नू जाइए तो डूंगी विचार करिए तो अखर अखर गुरु की बाणी है, जिन्हों गुरमुखी कहा जाता है। 35 जड़ी उबड़ा ऐड़ा ईड़ी ससा हाहा है, ये 35 भी गुरु की बाणी है। महात्मा दियाँ महात्मा जानते हैं। एक बापू स्वर्ण सिंह सत्कार योग ठक्करवाल दे होए ने, वड्डे महापुरख साल दे मुखी संत बाबा गुरबचन सिंह जी दे नाल एक टक 5 साल एक दिन नहीं भन्निया कथा सुन तो गड़वाईपना कीता। दसिया उन्होंने भी मैं नाल सी हजूर साहब गोदावरी नदी अमृत वेले चले गए तो मित सिंह नामे महात्मा अगे पानी च खड़े ने, तो उची उची पढ़ रहे ने। की पढ़ रहे ने? ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ससा हाहा कक्का कक्का। 35 पढ़ी गई, 35 फिर रंभ कर ली, 35 पढ़ी गई, 35 फिर रंभ कर ली। कहिंदे मैं महापुरखां नूं बेनती की भी एक कोई न्याणा भी नहीं सियाणा ब्याणा जीवन वाला है, इहनूं चाहीदा इस वेले वाहिगुरु 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 जपे, जां इह मूल मंत्र पढ़े, जां इह जपजी साहिब पढ़े, इह की करी जांदा? असीं वी तां इवें सोचांगे ना भी ऊड़ा पाड़ा ही पढ़ी जांदा है। सो मेरी बांह घुट के कहन लगे, गुरमुखी अखरां नूं बाणी समझ के पढ़दा है। एक होर महात्मा की साखी सुनाई, विद्यार्थी पढ़न वास्ते आया, उन्हें गुरमुखी अखरां ते कवितावां बना के ते महिमा जनाई। वह कहिंदा मैं होर पढ़ना ही कुछ नहीं, 4-4 घंटे रोज़ ऊड़ा ऐड़ा ही पढ़ी जाता है, 35 पढ़ी जाता है, भोग पाउंदा ते पढ़ी जाता है। सारियां रूहानी ताकत उसनू इस 35 चों प्राप्त हो गई सी। अज नहीं समा सी कि बाल विदेश नू जूठे हाथ नहीं लाने, गुरमुखी अखर लिखने हैं तो ढा के जाने हैं, पैरां थले ना आउण। इन्ना सरकार इन्ना अखरां दा है, उन्ना होर दुनिया के दूजे अखरां दा नहीं। इस प्रकार देन भी महाराज साहब जी दी है। कवि संतोख सिंह ने लिखे है कि संस्कृत को पढ़ नहीं जानै तो केवल मेहमान नाम बखानै, ताते सतगुर श्री मुख बानी रच दीनी लोगन गत ठानी। जे आज साहस कृति होंगी ये बच्चों निकली संस्कृति होंगी ये निकली हिंदी होंगी तो साढ़े पल्ले की पैना सी साहस। हजार मुख वाले सुशेष नाग की किरत ना सानू किसे पढ़न देनी सी, ना सानू समझ पैनी सी, पर पुकारी अकाल पुरख दी गुरु नानक पातशाह जी दी ते महाराज साहब दसां सरूपां दी। तां गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी
ਬਾਲਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਾਈ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਖੈਣ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚੜੇ ਅਖੇਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲੇ ਭਾਵ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚੜੇ ਅਖੇਰ, ਅਖੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚੜੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹਨ। ਭਏ ਤੁਰੰਗ ਅਰੂੜ ਸਵੇਰ, ਅਰੂੜ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਰੰਗ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ, ਸਵਾਰੀ ਸੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਘੋੜੇ ਵਾਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਾਹਨ ਘੋੜੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਛੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਘੋੜੇ ਵਾਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੰਗ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਖੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ 'ਤੇ ਜਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਓ, ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਚੰਡੀ ਦੇਵੀ ਸੱਤ ਸੰਤ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਗ ਛਾਲਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਆ ਇਹੀ ਚੰਡੀ, ਇਹ ਚੰਡਕਾ ਦੰਡਕਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨੀ ਹਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜੋ ਦੁਖੀ ਜਵਾਲ ਬੰਮਨੀ ਰਹੇ ਮਿਆਨ ਮਧੂ ਸਮੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾਏ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਭਵਾਨੀ ਕਹਾਏ। ਇੱਧਰੋਂ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਉਸ ਮੌਕਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ? ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢੰਗੇ, ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਉੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਕਰ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਬਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ, ਉੱਪਰ ਖਲੋਣਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਾ ਇਹ ਵਿਹਾਸ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਸਤਵੇਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅਨੋਖੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਅਤੇ ਫੜਦੇ, ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਯਾਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਰੂੜ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਭਟ ਸਿੰਘ ਦਲ ਸੰਗ ਸੁਹੰਤਾ, ਅਤੇ ਸੁਭਟ ਨਾਮ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਗ ਸੁਹੰਤਾ, ਸੋਭ ਨੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਭਕੇ ਬੀਚ ਚੱਲੇ ਭਗਵੰਤਾ, ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤਰੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ, ਜਲ ਤੇ ਉਪ ਤਰੰਗ ਜਿਉਂ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਹੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੂਆ, ਮੁਝ ਮੇਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਗਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਦ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤੂੰ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਾ ਪਰਗਾ ਮੇਟ ਲਿਆ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਸੇ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜੈ ਸੁਭ ਰੰਗ, ਸੋ ਸੁਭ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਰੀਰ 'ਤੇ
सो अंग संग महाराज साहब सजाई ने शास्त्र सारे नूं बड़ा सत्कार है। जिन्हें शास्त्र नामंग नमस्कार तामंग, जिन्हें शास्त्र पेयंग नमस्कार तेयंग। सो आस कृपान खंडो खड़ग तुबक तबर अरतीर साहब सरोही साहिती जही हमारे पीर। बड़ा माण दिता शास्त्रा नूं, खा खंड बिहंडंग खलदल खंडंग अतरण मंडंग बर भंडंग, पुज डंड अखंडंग चो जोत अमंडंग तेज प्रचंडंग जोत अमंडंग भान प्रभंग। सुख संतां करणंग दुरमत दरणंग किल बखारण असरणंग, जय जय कारण सृष्ट बारण मां प्रतपारंग जय तेगंग। तेग दे नाम बड़े ने शास्त्रां दा श्रोमणी है। पहले बेनती की है कि राजे सतसंध दे भाव जगशाला तो चंडी पैदा हुई, हाथ च तेग लैके प्रगट हुई, तो जिथे ओदी फोटो लगी होवे मूर्ति कंध नूं नाल ही। सो तेग हाथ विच हुंदी है, इह गा खालसे दे गात्रे पवाई महाराज साहब जी ने। इस तेग नूं कृपान नूं जूठे हाथ नहीं लाउणे, इहदे उपर दी लांघ पुट्टे गए नंगल वाला तनखाइया लिखिया है। हे खग कृपान तू खंड टोटे कर दिंदी है, तेरा काम ही वढणा है हरेक नूं। नहीं नहीं खल मूर्खा दे दलां नूं। सोखा खंड बिहंडंग खल दल अरण मंडंग रण मदान मंडंग सुंदर बना दिंदी है। बर भंडंग बरां दी दाती है, अत खल दल खंड अतर मंडंग बर भंडंग भुज डंड अखंडंग, भुज बाहमां दा डंडा भी है बैठन उठन वास्ते, भुज डंड अखंडंग तेज प्रचंडंग भान प्रभंग। तेरा तेज इन्ना प्रचंड है जिवें भान सूरज वल निगाह नहीं कीती जांदी, ते जे सूरमे दे हाथ विच होवे ते म्यान तो बाहर कढ़ी होवे ते फिर कैरां दे दिल डर जांदे ने। अतर बर भंडंग भुज डंड अखंडंग तेज प्रचंडंग जोत अमंडंग भान प्रभंग, भान सूरज नूं कहिंदे आ। भान प्रभंग सुख संतां करणंग दुरमत दरणंग, संतां भगतां नूं सुख दिंदियां ते दुरमत खोटी मत नूं दरणंग नाश कर देनी है। कलगीधर पिता दे बचन ने कृपान पान धारियंग करोड़ पाप टारियम, एक दो नहीं शरीर दे पाप जवान दे पाप मन दे पाप इन्हां दी गिनती करन लगी है ते बहुत कट्ठे हो जांदे ने। अत बर पंडंग बर पंडंग भुज डंड अखंडंग तेज उमंडंग जोत प्रभंग भान प्रभंग, सुख संतां करणंग दुरमत दरणंग किल बखारणंग असरण। किल बख नाम पापां दा आस हां मैं कृपान श्री साहब तेरी शरण। तू काल दा रूप है, तू हरी दा रूप है, ऐवें ना समझ लिया भी कुरबाना पाई फिरदे अखैन किसी नूं मारन लुट्टन वास्ते। ये शक्ति अकाल दा स्वरूप है, यही देवी है, यही चंडी है, यही भवानी है। सारे माण इस नूं महाराज साहब ने देना कीते ने। इस प्रकार आप शास्त्र धारी हो के गुरु के सिंह पूजा करदे सत्कार करदे ने। इस कृपान नूं पैरां वल नहीं रखते, मंजे दे पैंद वल नहीं रखते, सत्कार करदे ने। धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह इस थान ते अकाल तख्त वाले थान ते जदों आप जी सौ बनीक होए से दो अस लै भगवंत तबे गुरगर डार दी हरखाए, पीर की पीर सो मीर की मीर सो दोए दिए भगवंत अलाए। आम कहिंदे ने बाबा बुढ़ा जी ने कृपाना दो पाइया महाराज साहब दे गल, नहीं भगवंत अकाल पुरख ने आप पाइया। पर वेखण नूं प्रतीत हो रहा कि बाबा बुढ़ा जी पा रहे ने ते पीरी वाली पहलों पाई सजे पासे ते मीरी वाली नालों थोड़ी वड्डी पाई ते मीरी वाली बाद विच पाई खब्बे पासे, ते दो ही निशान साहब ने। पीरी वाला थोड़ा वड्डा है ते मीरी वाला छोटा है। बड़ा माण है शस्त्रां नूं गुरु घर विच, बड़ा सत्कार करो धारण करो, धारण करके रखोगे ते जिहड़े इहो जिहे पाड़ ने कृपान पान धारियंग करोड़ पाप टारियंग, पाप लगन ही नहीं देवेगी, नेड़े आवेगा ही कोई ना। सत्कार करना जरूरी है। यही कि टोल्ट जान लगियाँ थल्यों की पाई तो किमें करोगे, मोढ़े तो रख लो सिर ते बन लो, शनान आदि कर लगियाँ कोई होर विहार कर लगियाँ शनात आदिक। बड़ा भारी माण है शास्त्रा नूं गुरु की बाणी नूं ते परमेश्वर दे नाम नूं। शास्त्र धारी सूरमे गुरु साहिबां दे नाल शोभा पा रहे हन। खड़ग सिपर सिकंद तुफंग, नाल खड़ग कृपान ये नाँ कई ने, ते सिफर नाल ढाल है सुकंध मोढ़े ते, ते भाव तुफंग बदूका आदिक भी समय समय अनुसार नाल हन। इस प्रकार आप जी दसदे हन, बन मैं करियो अखीर कनेरा। सो
आप जी कहते ने मह करो अखेर कनेर, अखेर जड़ा शिंगार से कनेरा बिन जीवा की कल्याण की इस प्रकार कहते हैं। उत्तरे प्रभु बिरख सुभ हुईरा, एक हेरा सुंदर बिरख वेख्या बड़ा सुंदर झाटला छां वाला, ये शिकार आदि खेड करके सिंघा साथियों समेत उस रुख दरख्त के हेठ आप जी बैठ गए ने। बड़ा माण है रुखा नूं इहो जिहा सुभा गुरु के प्यारियां दा तुहाडा भी स्रोत्यो होना चाहीदा है। दरवेशां नूं लोड़ीए रुखां दी जीरांद जेरा, रुखां वर्गा किहो जिहा शस्त्र तीखण काट डारियो, मन्ना कीनो रोस काज ओआ किले सवारियो, तिलां दीनो दे दोष। रुखां वर्गा जेरा है कोई थले बह के छां माण लवे, कोई फल खा लवे, कोई तिखे शस्त्रां नाल कट लवे, कोई बेड़ी बना लवे, कोई अग बाल के सक लवे, सेक लवे, हर एक का भला ही करते ने, सोखी देंदे ने। ते भागां वाली आत्मा रुखां का सत्कार कर दियां ने, बिला वजा नहीं कटने वढ़ने चाहिए। कोई जानवर बैठा सी रुख ते ते फल भी छग ले ते संघनी छां विच रात भी बतीत कर ली, ते सवेरे किसी ने थले बालण सुट के अग बाल दित्ती, पत्रियां तक सेक चले गया, तो कोई वेख रहा सी उस जानवर नूं कहिंदा है। सो अग लगी इस दरख्त को जल रहे ने पात क्यों नहीं उड़दा, उस पंछी नूं कहिंदे जो पंखत मारे पास, कहिंदा फल खा दे इस दरख्त के सोकी काटी रात, धर्म हमारा जही है जलों दा इनके साथ। रुख लाउणे चाहीदे है, पालणे चाहीदे, ते बिना वजह बिना लोड़ तो नहीं कटणे बर्बाद करने चाहीदे। पशुआं नूं राइयां नूं पंछियां नूं हर एक नूं थां दिंदे, कोई थां ना लभे। इस प्रकार महाराज साहब हेरा संघना झारला रुख वे के छां वाला साथियां सिंघां समेत बैठ गए हन। कितक काल बैठे कर सैल, सो फिरदियां होयां किन्ना क समां लंघिया सी, शरीर थकेवां दूर करन वास्ते किन्ना काल समा महाराज साहब जी बैठे। सुतद्रव तीर खरे जह सैल, सैल पत्थर सुतद्र सतलुज तीर किनारा है, उहदे कंढे ते हजूर बैठे ने। गुरमुख महात्मा दसदे भी विशिष्ट मुनि रामचंद्र जी दे गुरु सन ते विश्वामित्र, सो इस प्रकार उहदा कोई वाद विवाद छिड़ गया, मैं लंबी चौड़ी साखी ना छेड़ा। तो जदों जांदे ने दर्शना नूं ते उदों चोला ते शस्त्र ते बण तण के ते कहिंदे आओ राज रिखी। उह चाहुंदा सी मैनूं ब्रह्म रिखी कहण, ते ब्रह्म रिखी वाला लिबास नहीं सी, लिबास राज रिखियां वाला राजिआं वाला सी। गुस्से च आ के उहदा इक पुत्तर मार आउंदे, 100 पुत्तर मार दित्ता। इक दिन सादे लिबास विच रात गए, मैं वेखदा रोंदे होणगे, मैनू गालां दिंदे होणगे, ते पति पत्नी विराजमान सन कोठे ते चंद्रमा की शोभा वेखी, तारियां विच अलौकिक ते वक्खरी। बाणी च पंगदियां हर जन शोभा सब जग उपर, जो विच उडवा ससकीक, उडवा तारे सस चंद्रमा। तारियां की अपनी शोभा पर चंद्रमा की अलौकिक वक्खरी शोभा, इवें महात्मा की शोभा हुंदी है। रखियाणी पुछदी जिवें चंद्रमा डलका मारदा आकाश विच, तारियां विच वक्खरी शोभा है, कोई इहो जिहा महात्मा भी है? कहिंदे हाँ, विश्वामित्र है जिहड़ा रोज़ साडे कोल आउंदा है। इहन सोचिया लोके सुण रिहा सी, आपणी CID आप कर रिहा सी कि मैनूं रोंदे होणगे, गालां दिंदे होणगे। उसे सुभा लिबास सामणे हो गया, कहिंदे आओ ब्रह्म रिखी जी, ते मत्थे ते हाथ मारिया कि 100 पुत्र मरवा के जो कह तो पहलों कह देंदे। कहिंदे तू बण के नहीं सी आउंदा, मैं झूठ किवें बोलदा, 100 पुत्र मेरा मार दिता है। फिर मोह एडी प्रबल शक्ति है, बाणी च हजूर दे बचन है, जित सूर संग्राम अत बलना बहु मर्दन है, गर्ग धर्म देव नुख पस पंखी बेमोहन है, तें करण हारंग नमस्कारंग सरन नानक जगदीश्वर है। ना जिते जाण वाला सूरमा है, मोह दा ग्रसिया होया गल च रस्सा पा के पाही लै के ब्यास नदी विशाल मारी, हुण मैं मरी जाणा जिउंदे नहीं रह सकणा। ब्यास नदी नदियां वी जून विच ने फाही तोड़ दित्ती ते छल मार के कंढे ला दित्ता। ते फिर एक दिन छाला मोह ने मारिया, पंख जो मोहो पग नहीं चाले, हम देखां तैं डूबी अले,
पंक नाम चिकड़ा चिकड़ है मोह रूपी ते पग पैर मन रूपी नहीं चलता चंगे पासे मोह दा ग्रसया होया परमेश्वर दे प्यारे शरीर दा मोह नहीं करदे माया दा मोह नहीं करदे बच्चियां परिवार दा मोह नहीं करदे कुर्सियां दा डिग्रियां दा मोह नहीं करदे इस प्रकार को भागा वाला बचिया होवेगा इस वड्डे दरिया में जा छाल मारी वह सौ टोटा हो के वग गया तो वह ना सतलुज पिया है इस प्रकार फिर नहीं डोबिया फिर पहाड़ी नू टक्कर मार के मरन लगा सी आवाज आई रिखी आत्महत्या ना कर आत्मघाती है जगत कसाई आत्महत्या करने को सियाणप थोड़ी है इस प्रकार तेरा होर पुत्र पैदा होगा तेरी कोली चलेगी फिर हौसला होया सी आप दस दे भी ओ सतलुज दरिया दे सतद्रव तीर खड़े किनारे ते सैल पत्थर छोटे छोटियां पहाड़ियां हन उस थां ते हजूर सजे हन उठे प्रभु है कीनस आगे सो महाराज साहब प्रभु जी उठे हन कीनस आगे अगे भाव सारिया दे होर गुरु के सिंह आदिक आए हन देर काब पद चडबे लागे सो अगे घोड़ा ले आंदा ते रकाब दे पाद पैर रखे है ते बहुत गिनती पद बढ़ जाने नहीं पद पोला जाए पढ़ना च चढ़बे लागे तरंग घोड़े ते हज घोड़े ते कीन जड़ अगे लिया सिंघा ने सवार होन लगे हन सुबत कृपान बनियो मद म्याना ते सुबत सोब रही सी कृपान बनियो मद कादे च म्यान विच कृपान म्यान विच सोभा देंदी है पर्दा बनिया रहिंदा है लोड़ तो बाद म्यान चो नहीं कढ़नी चाहिदी इस प्रकार कहिंदे हन कसी कमर के संग सुजान कमर लक दे संग कसी होई है कमर कसा इस वास्ते सिंघ लाउंदे है शस्त्र भी सांभे रहन ते चोला आदि भी सांभे रहे सुजान सियाणे सन कमर कसा गुरु घर विच है तां जरूरी गल विच पढ़ना भी जरूरी समय समय अनुसार हर वस्तु का कोई ना कोई गुण होंदा है इस प्रकार कहिंदे हन चंचल बाजी बहुबल परयो एक चंचल सुभा दा बाजी घोड़ा बड़े बल वाला नचण टपण वाला ते बड़ा तेज है भगन चपलता उछलन करयो चंचलताई नाल चपल घोड़ा उछल उछल के नाच करदा है खौरू पाउंदा है इधर उधर घूमदा है महाराज साहब सवार हन निकसे वहर म्यान ते हेर म्यान चो जड़ी बाहर वहर निकल निकल के जड़ी कृपान सी ना वो उछल उछल पैंदी है जे म्यान ढिला होवे इस तरह कृपाना आम कर दियां ही ने इस प्रकार हजूर वेखदे हन खड़ग संभारियो गुर तिसबेर तिसबेर खड़ग नू कृपान नू संभालण वास्ते महाराज साहब सच्चे पातशाह ने की कीता रोकन को जाचो प्रभ डोरा रोकन को उस कृपान उछल रही नू सामण वास्ते फिर डोरा पाउणा पैंदा रस्सी पाउणी पैंदी है कोई संभालण वास्ते जाचना कीती सिंघा कोलों मंग कीती किसे पास डोर होवे कोई रस्सी होवे उहदे नाल इस नू बंध लिया जावे सांभी जावे सुन सब सिखियन कीन चंडोरा सब सिखा ने सुन के चंडोरा कीता लभणी कीती किसे पासों भी कोई रस्सी डोरी आदक ना मिली खोजत भले नहीं जब पायो खोजदियां लभदियां भी भली प्रकार डोर रस्सी नहीं किते प्राप्त होई सिखियन ते नकाज सर आयो ते सिखा पासों ए ना ए कारज सर आया ना कितो लभी है दया सिंह तब हृदय बेचारा दया सिंह ने हृदय विच बिचारिया खत्री कोल है लाहौर दे वासी ने ते रहत नामिया च लिखिया है कि ये लहू दे अवतार सन जिन्होंने पहला शीस दिता बड़ा माण दया सिंह नू है तो पुरातन रवाज से जनेऊ आदक पाउण दा भावें महाराज साहब जी ने खंडन किया है अगे पंक्तियां आउणगियां दया कपाह संतोख सूर जत गंडी सत वट सो इस प्रकार ये जनेऊ जी का हाई तो पांडे घट ना ये टुटे ना मल लगे ना ये जले ना जाए धन सम्मान सदान का जोगल चले पाए वखरे वखरे संस्कार ने ना बारी थाई टिक्के लाने गल में जनेऊ पावना धन गुरु नानक पातशाह जी ने नहीं सी पाया तो संत बिठाउणी संस्कार है मुसलमाना दा ते कबीर जी ने नहीं सी कराई संत की है तुरक जे होएगा औरत का क्या करिए हर शरीर ही नार ना छोड़े ता ते हिंदू रहीए छाड़क ते राम पज बौरे जुल्म करत है भारी कबीरे पकड़ी टेक राम की तुरक रहे पछहारी
इत आदिक संस्कार ने करण मेद बारे भी बेनती अगे की है, वखरे वखरे संस्कार सी, फिर इन्होंने वंडा भी पाई हुई सी। जेड़े भाव ब्राह्मण ने वह बसंत रुत बच्चे पौन, जेड़े खत्री ने ग्रीखम रुत बच्चे पौन, जेड़े वैश ने वह बारिश वाली रुत बच्च, जेड़े दूजे ने वह होर छोटी रुत बच्चे पौन। एक बार इस प्रकार वह जनेऊ रेशम का पौन, कोई सूत का पौन, कोई सण का पौन, कोई उन्न का पौन, ये भी वंडा पाई हुई सन। इस प्रकार ये पुराना रवाज सी, गुरु के सिखा नूं इहो जिहां दी लोड़ नहीं इन्हां वस्तुआं दी, समय दे रवाज दी गल है। उस मौका जनेऊ सी पर कम दे गया, उन्हें जनेऊ दी परवाह नहीं कीती। गुरु के प्यारे ने ला के गलों वट के डोर साहब सच्चे पातशाह जी नूं कुरबान बनण वास्ते दे दित्ती। गुरमुखो आ रैत कुरबान दी है, ते म्यान चों कढ के जेब च पा सकदे हैं, ते दस्तार च भी दे सकदे हैं, ते म्यान ते गातरा संभालण लई है, शिंगार वास्ते है, कशहरा भाव ककारां विच जुगती वास्ते, नाले तो बिना बाज ही नहीं सकदा, केसां दी रहत ते केसक तो बिना संभाल नहीं हो सकदी। हर काम चों कोई ना कोई सिक्ख्या मिलदी है, ते लै लैणी चाहीदी है, ते औगुण छड देणे चाहीदे है। दया सिंह ने फुरती कीती है, तन मन तन गुरु साहिबां तों वारिया होया सी, अगे जा के इस जनेऊ का खंडन करनगे साहब सच्चे पातशाह, ते अपने प्यारे सिंह की परख भी करनगे। आप जी कहिंदे हन, अपनो जग जो पवीत उतारा, जग जो सवीर जनेऊ दा ना है, उतार लिया आप दे गलों, डोरा कर कृपान हित दीना, डोर वट के ओदी वट चाढ़ के जनेऊ दे कृपान दे हित वास्ते गुरु साहब सच्चे पातशाह जी मंग कीती सी पूरी करन वास्ते, आप सामने जाके ला के दे दिता। इस प्रकार कहिंदे हन, श्री कलगीधर पावन कीना, महाराज साहब ने पावन उन्हें पवित्र करता ते पा लिया कृपान दे, तां जिहड़ी शक्ति से काल दा स्वरूप सी, चल आए सब ही निज डेरे, चल के डेरे ते आ गए गुरु साहिबां समेत गुरु के सिंघ, श्री गुर मंदिर चले उचेरे, महाराज साहब मंदिर जिहड़ा उच्चा सी अस्थान उस थां ते जाके बैठ गए हन। कितक देर मैं है सिख ना हेरा, कितनी दूर तक होर सिखा ने हेरा जदों वेखना कीता, दया सिंह गर जंजू ना गेरा, जेड़ा दया सिंह दे गाल जंजू अगे वेखदे सी उदण है नहीं गाल। इस प्रकार आप ये नहीं भी जो तिलक जंजू लाउंदा पाउंदा सिर मथे उहदा धर्म है, संबंधा किसे ना आख, बुरा किसे ना आख, झगड़ा पावड़ा एवें वाद विवाद वाधे, बुरी संसार कला बुरी संसार वाधे खपीए, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, परमत नानक तारे सोए, जड़ियाँ बजर करैता उते करनियाँ नहीं, मर भावें जाइए जहर खा के भावें मरना पवे, तो जहर का काम भी यही है, जैसे तन की बिख खात मर जात, तात गात मर जात, प्रतवाली बरखन की मैं खी तो हाय दूध राखी भांजन बार, परत कांजी की बूंद बात न हरखन की, जैसे पर तन दुख न बिकार की, हर सुकर बात न हरखन की, जैसे कोट भर तो लंटक सिंह परे होत उसमान खिन में करखण की। इत आदिक पंक्तियां ने भाई जे कोई जहर खा लो तो मर जाओ, होर की होगा, बहुता नुकसान नहीं, तो मरदे जामदे सतयुग तो लैके इतने तक पहुंची है, तो गांह पता नहीं गलों लहना कि नहीं अजे, तो जे कोई विषय विकार भोगू तो बजर करैती हो जाऊ, तो फिर उन्हों 84 लाख वरी मरना जमना पौ, एक 84 नहीं कई 84। इस करके परतरिया गामी ना होवो, तंबाकू ना पीवो, रोमा की बेदबी ना करो, कुठा आदिक कोई भी मास ना खावो, शराबा ना पीवो। इस प्रकार जिहड़े छोटे मोटे होर नशे ने बजर करात विच नहीं, ते नशा कोई भी करना उपाधि है सियाणप नहीं। इस प्रकार हजूर सच्चे पातशाह कहिंदे ये नहीं कि ज्यों क्यों कह लिया तो असीं कुरबाना पाईआं, ये क्यों पा लिया, कोई कुछ कहिंदा वो कुछ कहिंदा, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤਨਖਾਹੀਆਂ ਖੰਡਣ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਮੁਦਾਇ ਮਿਲ ਬੂਜਨ ਕਰਿਓ, ਸਮੁਦਾਇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬੂਜਣ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਿਓ, ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਨੇਊ ਤੁਮ ਗਰ ਤਰਿਓ, ਐ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਗਲ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਸੁਣਤ ਸਭਨ ਕੋ ਉੱਤਰ ਦਇਓ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਮਰਪਣ ਕੀਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਾ ਕੇ ਗਲੋਂ ਜਨੇਊ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ।
मैं तो तन मन तन गुरु ने सौंप दिता होया है। तन मन तन सब सौंप गुर को हुक्म मनिए पाइए। तन मन तेरा तन भी तेरा तू ठाकर स्वामी भरा मेरा। ये जनेऊ बेचारा की होया सीस भी अर्पण कर दिता। तो जो मंगिया सी भरी सभा च तो पहलों दया सिंह ही उठे सन तो सारे के सामने कट के धड़ तो वखरा कर दिता सी। कृपान लहू की लिबड़ी हुई तो फिर सीस मंग लिया। तो पहले नालों फिर दूजे का हौसला होर वड्डा चाहिए है। फिर धर्म सिंह उठ के खड़े हो गए सी। धर्म चंद उन्हों का वढ़ लिया सी। बारी बारी पंजां दे लै ले सी। तो गुरु सेरी मंग ले तो मंग ही लोचित भी कोई ना हो डर भी ना मनिया जाए। महाराज साहब सब कुछ है ही तो वड्डा। ये जनेऊ की होया होर वस्तु दुनिया की की हुई सब कुछ ही तो वड्डा। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। सब कुछ मेरे समर्पण समर्पण गुरु साहबां कर दिता है। जड़े जनेऊआ की मैनू लोड़ नहीं रह गई। इस प्रकार जिवें वस्ता बनी तिवें दसदे हन। अजर अमर अब सो होए गयो। अजर नूं जरन वाले ते हुण ये जरन वाला नहीं रह गया सड़न वाला नहीं रह गया अमर हो गया। जिहड़ा गुरु दे हथ छोह गए ने जिहड़ी गुरु की बख्शी हुई शक्ति चंडी कृपान नूं दाग लगा है। इस प्रकार कहिंदे हुण इहदी लोड़ नहीं सरेगी। एवें कहिंदे हन जिसते काज गुरन को पयो। जिसते जिहड़ा गुरु दे काम आ गया वह वस्तु सफल हो गई उजड़ हो गई। इस प्रकार वो तो रोशन हो गई दुनिया से जिहड़ी वस्तु गुरु दे काम आ जाए। इस प्रकार कहिंदे हन कौन सिखन समझावन करियो। सिखां ने समझाउणा कीता आपो अपने ख्याल अनुसार। भलो भयो गुर कारज सरियो। भला हो गया चंगा होया गुरु दा कारज। गुरु साहिबां ने मंग कीती डोर रस्सी दी अंतरजामी जानी जान सन। सिख्या देनी सी परख करनी सी अपने प्यारियां दी किन्ना कहना मनदे हन। अपर जनेऊ लै कर तारो। अपर हुण होर लै के धारण कर लो ते केड़ी गल है। धागा सी ना चौंकड़ मुल अणाया बह चौंके पाया। सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थी आ फिर सिख्या कन विच दित्ती ते वट के धागा आदि गल पा दिता। केड़ी गल सी कहिंदे नहीं मैनू इन्हां जनेऊआं आदिकां दी हुण लोड़ नहीं। इस प्रकार कहिंदे हन धर्म आपनो हित कर पारो। तो अपना धर्म पालना करांगे हित सहित। केड़ा धर्म सारक ताबड़ी वाला लिखदा खिमा हंसा दया मिर्द सत बचन तप दान सील सोच तृष्णा बिना धर्म लिंग दस जान। दस इंसानियां धर्म नहीं छड़ना चाहिदा। धर्म इस प्रकार धर्मी होना संतोखी होना ते दयावान होना। सो कहते धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सू सिद्ध कहन लगे। महाराज साहब धरती किमें खड़ी है सिद्धो तुसा किमें मनी है। कहते जी बल्द ने सिंगा ते चुकी हुई है तो जो सिंग बदलता धरती हिल जाती भुचाल आ जाता है। तो सिद्धो दसोगे बल्द धरती चक के खड़ा कित्थे है। कहते जी होर धरती ते तो होर धरती कहने चुकी कहते होर बल्द ने। फिर दसोगे किन्ने बल्द किन्नियां धरतियां। फिर सिर फेरना पिया ना करनी पई जी नहीं पता। हुण तुसीं दसो कि तुहाडी जवानी दस देने है कोई बल्द बुल्द नहीं। धौल धर्म दया का पूत वह धौला चिट्टा बल्द दया रूपी गऊ का पुत्र है ते संतोख का चारा सकदा है। दयावान धर्मी संतोखी होवोगे तो धरती नूं कोई खतरा नहीं। ये धर्म दया संतोख सारिया छड़ दिता तो अज भी धरती गर्क तो कल में भी गर्क। फिर करोना वर्गियां बीमारियां पैनिया तो होर भी पा सकता है और जो मर्जी करवा सकता है। मस्कंग पगनंत सैलमंग करदमंग तरंत पपील कह सागरंग लगंत पिंगंग तम प्रकाश अंत कह। नेरे च प्रकाश करने वाला है। बल दे के मच्छर पासों टक्कर मरवा के पत्थर बना सकता है। क्यों नहीं याद करते क्यों नहीं चेते करते। मनुख जाति शरीर सेवा से मिलया ए तेरी अवसर यह तेरी बार घट पीतर तू देख विचार। कहत कबीर जीत के हार बहुत कहो पुकार पुकार। भजो गोबिंद भूल मत जाहो मानक जन्म का ही लाहो। ऐनी गल मन में बह जाए भी धर्म नहीं छड़ना दया करनी नहीं छड़नी। इस प्रकार अठ हर तीर सगल पुन जी दया प्रवान
आप जी कहते हैं कह बहु रहे नहीं तिन मान्यो, कह बहु रहे नहीं नहीं दया सिंह जी मने, जाए सिख गुर साथ बखान्यो, जाके गुरु साहब आप साथ बखान्यो, कह देना कीता श्री प्रभ दया सिंह नह मान। महाराज साहब जी दया सिंह जी हुण जनेऊ पाउणा मनदा ही नहीं, उन्हें परवाह ही नहीं की, नयो अपनो मत को ठान, अपनी मत विच कोई नवी गल ही ठान ली, आजाद कर ली है। हित डोरे तुमको तब दीनो, हित डोरे वास्ते खो दिता दे दिता है आप जी दे ताई। अब कह मैं गुर अर्पण कीनो, मैं हुण सब कुछ गुरु साहब नु अर्पण कर दिता होया है। जग जो पवीत न पावत गर्म, जग जो पवीत जेड़ा जनेऊ है पावत नहीं पाउणा करांगा गल विच, कहियो न मन क्या तिस उर मैं, सो कहे नहीं मानदा गुरु साहब सिंह कहिंदे हन उर मैं हिरदे विच। सिखियन संग कहियो गुर पूरे, सिखां दे संग पूरे गुरु सतगुरु जी कहिंदे हन, पहरावो तिस जाए जरूरे, जरूर जाके उन्हां नूं कहना करो वी पा लो वे परख दे हन, ज्यों क्यों कर नीके समझावो, जिवें जिवें जा करके नेके नीके नेड़े चंगी गल समझाउण दा जतन करदे हन, अपनी दिश ते भै दिखरावो, गुस्से नाल ताड़ के भी कह के वेख लो, सिख जाए पुन बहु समझायो, सिखां ने जाके बड़ा भारी समझाउण दा जतन कीता, कैसे करे अपन मन पायो, सो अपन मन नूं पाउंदा नहीं, कैसे करो कह पाउणा करांगा पाउणा पाप कहिंदे हन। हम सब कहे मान बच लीजै, असीं सारे ने कहा भी बचन मन लै फिर नहीं मनदा, जग जो पवीत पावनो कीजै, जस सुवीर जिने जनेऊ ने पावन पवित्र इहनूं समझदे ने हिंदू समझदे होणगे, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮਾਨੈ ਨਾ ਬਖਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਬਖਾਨਾ ਕਹਿਆ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੁਣੋ ਸਿੱਖ ਤੁਮ ਸਭ ਸੁਰ ਗਿਆਨਾ, ਸਭ ਸੁਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਪਣ ਠਾਨਾ, ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਰ ਬਿੰਦਮਾਨਾ, ਸਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀ ਧਰ ਮਨ ਬਿੰਦਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਖ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ, ਜਨੇਊ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੁਜਮੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਤਨ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ, ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਬੇਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ, ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ, ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ, ਭੋਗ ਪਾਈਏ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਜ਼ਲ ਜਾਈਏ। ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਪਣ ਠਾਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਰ ਬਿੰਦ ਮਾਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।